अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊं तो तुम्हारे फोन की भी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे यूपी टेट 2019 एग्जाम। तो दोस्तों आज आपकी तारीख हो चुकी है 29 नवंबर 2019 के हम बड़ी अपडेट देखने वाले हैं। अब दोस्तों आपका सी टेट के एग्जाम भी लीजिए दोस्तों, जो पेपर आपका 8 दिसंबर को होने वाला है। तो बहुत ही कम दिन रह चुके हैं, लगभग एक सप्ताह से थोड़े से ज्यादा समय है। तो दोस्तों अब 8 दिसंबर की आप जो तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए विशेष ध्यान आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा। सबसे पहले दोस्तों आपका समय से होगी यूपी टेट, नहीं बढ़ाई जाएगी मियाद। काफी बच्चों के सवाल अभी भी आ रहे हैं कि क्या सर यूपी टेट की डेट बढ़ा दी जाएगी, क्योंकि काफी बच्चों ने आवेदन नहीं कर पाए। देखिए दोस्तों, काफी बच्चे ये सोचते हैं यार कि हर बार पेपर कोई भी होता, सी टेट में दोस्तों आपने देखा था कि डेट को बढ़ाया गया था, लेकिन यूपी टेट में दोस्तों ज्यादा समय मिला ही नहीं था, तो डेट बढ़ाई नहीं जा सकती थी। और यूपी टेट के लिए पर्याप्त छात्र हो भी गए लगभग 16.5 लाख बच्चे। जी हाँ दोस्तों, 16 लाख से अधिक बच्चे यूपी टेट 2019 का पेपर देंगे। तो फिर भाई संस्था ने या पीएनपी ने सोचा होगा चलो ठीक है, 16 लाख बच्चे हो चुके हैं, फिर जरूरत ही क्या है। तो फिलहाल दोस्तों अब इसकी डेट नहीं बढ़ाई जाएगी। पूरी अपडेट यहाँ पर हम देख लेंगे कि क्या पूरी अपडेट है, क्या कोई उम्मीद बच रही कि डेट बढ़ सकती है। उसके बाद हम बात करेंगे बेसिक शिक्षा विभाग की प्रेरणा ऐप फेल। जी हाँ दोस्तों, एक प्रेरणा ऐप आया था, अब कायाकल्प से मॉनिटरिंग इनकी होगी निगरानी, उसको देखेंगे अपडेट क्या है। अब समय आ चुका है रिवीजन करने का। जी हाँ दोस्तों, हर साल लाखों बच्चे कंफ्यूजन में 10 से 15 नंबर गवा देते हैं, ये दोस्तों बहुत ही सच्चाई हम बता रहे हैं आपको, आप ये गलती ना करें, इसलिए दोस्तों हम आपको इस अपडेट से अवगत करा रहे हैं। होता है क्या दोस्तों कि आपने पढ़ाई तो बहुत कर ली है, थार एंड डाइक कहाँ कहाँ की पढ़ाई आपने कर रखी है सभी वैज्ञानिकों के बारे में, लेकिन अगर इस समय आप अपना रिवीजन नहीं करेंगे। जी हाँ दोस्तों, रिवीजन बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। आपने हो सकता है कि 10 से 15 किताबें खत्म कर दी हो, एक किताब दो बुक्स, कुछ बच्चों के कम से कम दो बुक्स तो खत्म किए होंगे। अगर आपने दो बुक्स खत्म की है, अगर आप अभी भी नया पढ़ते जा रहे हैं, कुछ नया देख रहे हैं मैटर, तो बस बहुत हो गया, इनफ है। अगर दो किताबें खत्म हो गई तो बस अब इसका समय आ गया आपको रिविजन करने का। अगर आप रिविजन नहीं करेंगे ना, तो पेपर में क्या होता है, जब आप आंसर देखते हैं यार लगता है यार ये वाला तो हमको लग रहा है ए सही होगा, फिर लगेगा सी वाला भी सही हो सकता है। तो दोस्तों यही होती है आपकी कंफ्यूजन मन में, हर बार आप लोग गवाते हैं अपने नंबर। तो कुछ बच्चे तुक्के के सहारे जाते हैं यार, तुक्के से आप जितना नंबर बढ़ाएंगे नहीं उससे ज्यादा दोस्तों आपके आते हुए नंबर गलत होंगे। तो तुक्का लगाने से पहले आपको ये सोचना चाहिए कि हम अपने कितने नंबर प्लस में रख सकते हैं। तो ये बहुत ही जरूरी अपडेट है दोस्तों, और अपने दोस्तों तक अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करिए और बताइए भाई लोग अब रिविजन करने का समय आ चुका है। अगर अभी आप सी टेट की तैयारी कर रहे हैं, यूपी टेट वाले बच्चे पढ़ते रहे आगे, अभी उनके लिए अभी समय नहीं आया, अभी वो कुछ नया पढ़ सकते हैं, लेकिन अब सी टेट का समय बिल्कुल लास्ट दौर पर आ चुका है। देखिए पेपर के एक दिन पहले, अब ये इंटर हाई स्कूल का आपका पेपर नहीं रह गया या ग्रेजुएशन का पेपर दोस्तों नहीं है कि आप एक रात में, वन नाइट स्टडी, काफी बच्चे सोचते होंगे एक रात में हम सी टेट को खत्म कर सकते हैं या यूपी टेट को खत्म कर सकते हैं, डेफिनेटली दोस्तों नहीं कर सकते। इसका मतलब ये होता है ना, इसमें हजार से ऐसे अलग क्वेश्चन होंगे दोस्तों जिसके आंसर अलग अलग होंगे। आप लोग इंटर हाई स्कूल या ग्रेजुएशन में होता है क्या दोस्तों, बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन होते हैं, हमें पता रहता है यार सिलेबस इतना ही है तो ये 100 या 50 क्वेश्चन पढ़ लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, मैक्सिमम 100 क्वेश्चन पढ़ जाए आप तो आपको इंटर हाई स्कूल या ग्रेजुएशन ये क्लियर हो जाता है, लेकिन ये आपका सी टेट है तो, और यूपी टेट भी है तो यहाँ 200-150 क्वेश्चन तो पहले ही आते, तो 150 क्वेश्चन को फंसाने के लिए कम से कम आपकी तैयारी 3000 प्रश्नों की होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, जिन बच्चों का टारगेट 150 में 150 चल रहा है उनकी हम बात कर रहे हैं, कम से कम 3000 प्रश्न उनके दिमाग में घूमने चाहिए। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे नई शिक्षक भर्ती 2020। अगर आप भी इंतजार कर रहे हैं तो एक बात का अवश्य ध्यान दें। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं यार नई शिक्षक भर्ती कब तक आएगी, उसमें कौन बच्चे अपियर हो सकते हैं, किन बच्चों को मौका मिलेगा फॉर्म भरने का, तो अप्लाई कौन कर पाएगा, उसको भी देखने वाली बात है ना। पहली बात, एक अवश्य बात दोस्तों, एक चीज याद रखना आपको, अगर आप यूपी टेट या सी टेट इन दोनों में से कोई एक परीक्षा अगर आपने पास नहीं की तो आप नई शिक्षक भर्ती 2020 से बाहर हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको इस शिक्षक भर्ती का पेपर देने का मौका तभी मिलेगा जब कम से कम या तो आपके पास सी टेट का सर्टिफिकेट हो पास आउट का, या तो यूपी टेट का। फिर से हम बता दें, अगर आप आरक्षित वर्ग से आते हैं तो आपको 82 नंबर लाने होंगे पास होने के लिए, अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो 90 नंबर, और अगर आप सी टेट में पास होना चाहते हैं, देखिए हम यूपी टेट में 82 नंबर ले आते हैं तो ये सफिशियंट होगा आपके लिए, लेकिन अगर दोस्तों आप जनरल से 90 नंबर, ये बात तो समझ में आ रही होगी आपके, लेकिन अगर सी टेट में दोस्तों अगर आपने 82 नंबर ले आया है, ठीक है, तो आप यूपी के लिए पास होंगे। अगर उत्तर प्रदेश में कोई शिक्षक भर्ती आती है ना, तो ही दोस्तों आपके 82 नंबर काम आएगा। अगर आप सोचे इनकेस आपके स्टेट से, दोस्तों आप सी टेट कहीं से भी तैयारी करो, अगर आप बिहार से भी तैयारी कर रहे हैं, अगर आपके वहां 82 नंबर आते हैं तो आपका बिहार में ही वैलिड होगा वो।
अगर यूपी में कोई वैकेंसी आती है तो बिहार के बच्चे यूपी में नहीं आ सकते। अगर आपको 90 नंबर अगर आप लाएंगे तो आपका ये ऑल इंडिया वैलिड होगा। समझ रहे हैं? देखिए सीटेट की तैयारी आप इसलिए करते हैं कि यार ये केंद्र का होता है, ठीक है ना। तो इसमें होता क्या है कि देश में कहीं पर भी कोई भी शिक्षक भर्ती आएगी तो आपका अगर आपको अप्लाई करने का मौका मिले तभी आप कर पाएंगे, जब आपके कम से कम 90 नंबर होना चाहिए, जनरल कैटेगरी से आप पास होने चाहिए। क्योंकि अगर जैसे आप लोग अपना राज्य छोड़ते दूसरे राज्य में जाते हैं तो वहां आप एक जनरल के कैंडिडेट बन जाते हैं। तो दोस्त ये सब छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना है कि यार अगर हम जनरल के कैंडिडेट बने तो जनरल की पासिंग मार्क 90 होती है, तो अगर सीट में 90 से कम ला रहे हो तो आपकी एक बड़ी भूल हम कह सकते हैं, बड़ी गलती कहेंगे। उसके बाद दोस्तों पहले बात कर लेते हैं यूपी टेट की, उसके बाद और बात करेंगे कि आपकी गणित में तैयारी कैसे करना है। सी टेट का दोस्तों आपके लिए हमने एक मॉडल पेपर बना दिया। जी हाँ दोस्तों, सी टेट का मॉडल पेपर 1, ठीक है। मॉडल पेपर मतलब दोस्तों ये आपका ऐसा पेपर बनाएगा जो टेस्ट में आएगा। एक बार उसको प्रैक्टिस सेट है, एक बार 150 क्वेश्चन आपके सामने हम देंगे, इंग्लिश प्लस संस्कृत दोनों दिया गया है। मतलब तो आप इंग्लिश को सॉल्व करना चाहे तो इंग्लिश को कर लीजिएगा, संस्कृत को संस्कृत को। तो उसमें होगा क्या, एक बार अपनी आप तैयारी आ सकते हैं कि यार आपने कितना पढ़ा है। उसके बाद दोस्तों हमने आपके लिए मैथ की एक अलग सी वीडियो बनाई थी, आपको पता होगा। अगर आपके अभी तक आपने उस वीडियो को ना देखा हो तो आपको कमेंट बॉक्स में उसका लिंक मिलेगा, ठीक है ना। कमेंट बॉक्स में दोस्तों हम उसका लिंक दे देंगे, उसके माध्यम से आप लोग अपनी अच्छी तैयारी और कर सकते हैं। देखिए बहुत ही जरूरी ये लिंक है मैथ की, क्योंकि दोस्तों अगर आप लोग मैथ ही नहीं पढ़ पाएंगे सही से, क्योंकि सबसे ज्यादा यूपी टेट में दिक्कतें आती हैं बच्चों को, तो अगर आप सी टेट की भी तैयारी करें तो दोस्तों वो वीडियो काम आ जाएगी, लेकिन पूरी तरीके से नहीं आएगी, लेकिन हाँ काफी हद तक आपको वो काम करेगा, क्योंकि उसमें हर तरह के क्वेश्चन हमने आपको बता रखे हैं। सिर्फ पेडोगोजी के दोस्तों क्वेश्चन थोड़े कम थे सी टेट के लेवल से, क्योंकि सी टेट में आपका पेडोगोजी ज्यादा आता है तो उसमें थोड़ा पेडोगोजी ज्यादा देखना पड़ेगा। लेकिन हमने क्वेश्चन 200 से अधिक क्वेश्चन है दोस्तों, 210 प्रश्न मैथ के हैं सिर्फ एक ही वीडियो में, 6.5 घंटे की वीडियो है। उसको देखेंगे तो डेफिनेटली आप कुछ ना कुछ सीख कर जाएंगे। अगर आप लोग कोचिंग जाते होंगे तो आपको आसान क्वेश्चन वहां बताए जाते होंगे, इजी क्वेश्चन। लेकिन दोस्तों हमारी वीडियो में सिर्फ आप देखेंगे अधिक से अधिक आसान क्वेश्चन तो थोड़े बहुत हैं, लेकिन हार्ड क्वेश्चन जो होते हैं दोस्तों कठिन क्वेश्चन ज्यादा है। तो उस वीडियो को अगर आप सॉल्व करेंगे शुरू से लेकर अंत तक तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ सीखेंगे, और जब तक आप कुछ सीखेंगे नहीं तब तक आप कुछ कर नहीं पाएंगे। तो चलिए पहले देखते हैं ये अपडेट क्या आई थी। उत्तर प्रदेश पात्रता परीक्षा या यूपी टेट 2019 को लेकर चर्चाओं का दौर जारी है। सोशल मीडिया पर आवेदन फिर से लेने और परीक्षा की तैयारी तारीख बढ़ाने का दुष्प्रसार भी शुरू है। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय ने स्पष्ट किया है कि इम्तिहान 22 दिसंबर को ही होगा। फिलहाल न तो आवेदन लिए जाएंगे और न ही तय तारीख में बदलाव हो रहा है। बेसिक शिक्षा के अपर मुख्य सचिव रेणुका कुमार ने इस संबंध में सभी जिलों को निर्देश जारी किया है। असल में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी एनसीटी की ओर से कुछ दिन पहले संशोधन को लेकर भ्रम की स्थिति बन गई है, जिसमें कहा गया है पहले बीएड अभ्यर्थी के लिए स्नातक में 50% अंक थे, अब स्नातक और स्नातकोत्तर में कम से कम 50% अंक होने चाहिए, ठीक है। ये सब दोस्तों बात कही गई थी, उसकी वजह से सभी बच्चों को लग रहा है कि यार डेट बढ़ सकती है क्या। लेकिन फिलहाल लास्ट डेट को स्टैंड नहीं किया जाएगा, जो ये वाला रूल में चेंजेस आए दोस्तों ये बाद में, अगर पहले आ गया होता तो कुछ बच्चों को और फायदा होता बीएड के छात्रों को, लेकिन अब वो नहीं हो पाएगा। तो समय से दोस्तों आपकी यूपी टेट की परीक्षा होगी, उसमें किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं किया जाने वाला, तब तक आपको ध्यान देना है, ठीक है ना। तो तैयारी आप लोग दोस्तों करते रहिए, अब नई शिक्षक भर्ती बहुत ही जल्द आएगी। जो कि हमने आपको बताया था कि फिलहाल काफी बच्चों के अंदर ये डाउट था कि 69,000 और 68,500 को लेकर, फिलहाल उसको लेकर डाउट आप मत करिए, जो होगा दोस्तों देखा जाएगा, क्योंकि वो शिक्षक भर्ती अभी भी कोर्ट प्रक्रिया में चल रही है और उसमें अभी समय लगेगा, ठीक है। 69,000 शिक्षक भर्ती में अभी समय लगेगा, इस बात को आपको खासा ध्यान में रखना है, क्योंकि जानते हैं ना दोस्तों आपका मामला जब कोर्ट में जाता है तो क्या होता है। तो चलिए दोस्तों वैसे भी आपके पास पर्याप्त समय रहेगा, क्योंकि आपका यूपी टेट का भी जो रिजल्ट है वो जनवरी लास्ट तक आ जाएगा। तो यूपी टेट हो गया या सी टेट हो गया, सबका रिजल्ट आपका जनवरी तक फाइनल हो जाएगा। एक बात और दोस्तों आपको बता दें, एडमिट कार्ड यूपी टेट का आपका 12 दिसंबर तक आ जाएगा, तो यूपी टेट को एडमिट कार्ड को लेकर भी आपको ज्यादा परेशान नहीं होना है। अब तैयारी आप कैसी कर रहे हैं दोस्तों आप लोग कमेंट करके हमें बता सकते हैं। देखिए फिर से हम जाते जाते आपको वीडियो के अंत में कुछ बातें और कहेंगे, टिप्स दे रहे हैं, इस तरह आप पढ़ेंगे तो आपके लिए ज्यादा कारगर हो सकता है। देखिए काफी बच्चे बोलते हैं हमें याद नहीं होता, तो आपने आप बुक्स लिए जिस भी किताब से आप पढ़ रहे हैं तो आप उसमें कुछ सिलेक्टेड हाईलाइटर एक आती है ना येलो कलर की, जैसे इसको हम हाईलाइट कर रहे हैं येलो से, ठीक है दोस्तों, या किसी भी कलर से एक आप हाईलाइटर जरूर खरीद लीजिए दोस्तों। जो भी प्रश्न आपको इंपॉर्टेंट लगे उसको हाईलाइट करके भाई टिक करते जाइए कि ये क्वेश्चन हमें पढ़ना है, उसको पढ़ते जाइए टिक करते जाइए। मतलब होता क्या है ना, जिस भी क्वेश्चन को आपने याद किया उसको आपको हाईलाइट करना बहुत ही जरूरी होता है। ऐसा होता है किस लिए जरूरी है, जो हमने ये इंपॉर्टेंट बात कही कि अब समय आ चुका है रिविजन करने का। दोस्तों देखिए अब टाइम तो रिवीजन करने का आ चुका, अगर आप रिवीजन ही नहीं करेंगे तो आपको फायदा क्या हुआ दो किताब तीन किताब खत्म करने का, क्योंकि बिना रिवीजन के आप एक अच्छा स्कोर नहीं कर सकते। रिवीजन का मतलब ऐसा होना चाहिए जब आप उसको रिवाइज करें तो बिल्कुल मन में वो क्वेश्चन रट जाना चाहिए, अगर वो बहुविकल्पी पेपर भी ना हो
जी हाँ दोस्तों, जैसे पहले सब्जेक्टिव पेपर हुआ था अभी 68,500 शिक्षक भर्ती में, तो भी आप उसको लिख सके तो वैसा आपको याद करके जा रहा है। ऐसे याद करके मत जाइएगा कि यार याद क्या भूल जाए, तो वो वाला याद करना कोई मतलब का नहीं होगा। तो आपकी कोशिश होनी चाहिए कि कितने अच्छे से हम इसको याद कर सके। देखिए जितना अच्छा याद रहेगा वही काम आपका यूपी टेट में भी आ जाएगा। सी टेट का पेपर थोड़ा सा कठिन आता है, यूपी टेट का पेपर थोड़ा आसान आता है। यूपी टेट में दोस्तों अपने यूपी के क्वेश्चन आसान बनाए जाते हैं, मतलब एक आप अच्छा स्कोर इसमें कर सकते हो। यूपी टेट में दोस्तों 110 नंबर लाना, 110 नंबर लाना बहुत ही आसान होता है, लेकिन सी टेट में आपको 90 नंबर तक भी पहुंचना मतलब एक बड़ी कामयाबी होती है। सी टेट में 90 नंबर और यूपी टेट में 110 नंबर लगभग बराबर कह जाते हैं, क्योंकि सी टेट का पेपर दोस्तों ऑल इंडिया लेवल पर बनता है और सोचा जाता है कि सी टेट में कितनी अच्छे से अच्छे क्वेश्चन दिए जाए कि बच्चे इतने अच्छा स्कोर ना कर पाए। यूपी टेट में दोस्तों क्या होता है, अच्छा स्कोर होता है लेकिन आने वाले टाइम में जो शिक्षक भर्ती आएगी आपको पता है कि उसका 1/4 आपके टेट पेपर का, जी हाँ दोस्तों, सी टेट या यूपी टेट का 1/4 अंक का गुणांक शिक्षक भर्ती के फाइनल मेरिट में बनाया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये बनेगा आपका गुणांक, ठीक है, 1/4 का अंक होगा दोस्तों, ये बनेगा बराबर आपका गुणांक बन जाएगा। तो ये सब बातें आपको ध्यान में रखना है कि तैयारी आप जैसी भी कर रहे हो ये सब बातें आपके मन में थोड़ा सा रहेगा ना, तो आपकी तैयारी थोड़ी सी और उच्च दर्जे की होगी। उम्मीद करते हैं दोस्तों फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, और आप जो तैयारी कर रहे हैं बहुत ही सीरियसली करिए दोस्तों, नहीं तो फिर आने वाले टाइम में आपको दिक्कत होगी। फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड और ऑल द बेस्ट पेपर के लिए, ठीक है ना। तो दोस्तों इस बात को ध्यान जरूर रखना है कि हर साल, सच बता रहे दोस्तों इस बात को, झूठ मत सोचिएगा, क्योंकि जब पेपर आप देकर निकलेंगे सीटेट का, फिर आपको खुद ही ध्यान आएगा कि आपने आता हुआ क्वेश्चन गलत कर कर आ चुके हैं। मतलब दोस्तों हर बार आप जब आएंगे ना अपनी आंसर की मिलाएंगे, तो आपसे दोस्तों समझ में आएगा कि यार ये क्वेश्चन तो हमें आना चाहिए था, नहीं हो पाया। तो ये सब छोटी छोटी बातों का आपको विशेष कर ध्यान देना है। तो चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड और ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए।